Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to this channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshika and welcome to a very important video जो सवाल सभी students के दिमाग में है कि क्या दोबारा से जो lockdown या फिर corona virus pandemic की situation बन रही है वो प्लेसमेंट्स पे इम्पैक्ट करेगी, क्या क्लासेस इस साल भी ऑनलाइन रहेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं. सो लेट मी आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज इन दिस वीडियो. सो डू वॉच दिस वीडियो कंप्लीट. सबसे पहली चीज़ कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं एडमिशन लिया, मेरे पास खुद मेरे कुछ इंटर्न्स हैं जिन्होंने IBS मुंबई में एडमिशन लिया एंड दे सेड कि यार डिस्टेंस क्लासेस मिल रही हैं मुझे 8 लाख 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करके, तो मतलब और इस साल भी ऐसा कुछ रहेगा एंड ऑल दैट. तो ये सारी सिचुएशन जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आप न्यूज़ देख रहे हो, तो आपके मन में है कि यार इस साल भी ऐसा रहा तो फिर तो ये वेस्ट ऑफ मनी है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि लास्ट ईयर की सिचुएशन और इस साल की सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर आप दोबारा ड्रॉप लेते हो, आपके लिए जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप इन फ्यूचर MBA प्लान कर रहे हो. मेरी ही कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे भी प्लेसमेंट लिया एंड दैट टू गुड कंपनीज, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ऐसा नहीं है कंपनीज ने हायर करना बंद कर दिया. व्हेन इट कम टू टीयर वन कॉलेजेस, आप प्लेसमेंट्स उठा के देखो, लास्ट ईयर से ज़्यादा अच्छा एवरेज पैकेज किया है. एंड इवन यू नो अगर हम टीयर टू में बात करें तो जो ब्रांड कॉलेजेस हैं उन्होंने प्लेसमेंट्स दिए हैं इस साल. जब अगर लेट्स से यू नो लॉकडाउन की सिचुएशन बनती है तो वो लॉकडाउन की सिचुएशन परमानेंट लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वी हैव वैक्सीन जो लास्ट ईयर नहीं थी. जस्ट टू इम्प्लीमेंट दैट वैक्सीन सो दैट यू नो ये स्प्रेड ना हो एंड ऑल दैट स्टफ, उसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है फिर मंथ या फिर कुछ दिनों का कुछ स्टेट्स में कुछ सिटीज में लॉकडाउन हो, तो उससे आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस इम्पैक्ट नहीं करने वाली हैं. बिकॉज जब हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था तो कोई वैक्सीन नहीं थी, इट वॉज जस्ट पेंडेमिक जिसको किसी जिसके बारे में कैसा वायरस है, क्या होता है, क्या सिम्टम्स है, कुछ नहीं पता है. बट अभी पीपल आर अवेयर ऑफ एंड पीपल आर अवेयर ऑफ के साथ साथ वी हैव वैक्सीन व्हिच कैन क्योर ऑल दीज डिजीजेस, राइट. इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको वैक्सीन भी लोगों तक प्रोवाइड करना और ये स्प्रेड ना करें वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो इस सिचुएशन में कुछ स्टेट्स में, सारी सिटीज़ की बात नहीं करी, कुछ स्टेट्स में हो सकता है और ये प्लेसमेंट पे इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा, बिकॉज आप प्लेसमेंट के लिए 2 साल बाद निकलोगे, आप इस साल प्लेसमेंट नहीं लेने वाले हो. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी है. एंड आपकी क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी, इफ़ इट विल बी ऑनलाइन सो इट विल बी फ्यू मंथ्स. मुझे ऐसा लगता है ऑल दी सिचुएशंस जब ऐसी चीज़ें रहती हैं तो ऑलरेडी इंडस्ट्री ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले आउट किया. अगर आप लिंक्डइन देखते होगे तो आप डेली बेसिस पे यू नो यहाँ जॉब गई वहाँ जॉब गई यहाँ जॉब गई देखते हो. बट आप ये नहीं देखते कि अगर हम वो टॉप कॉलेजेस की भी बात करें तो वो इन्होंने इस साल भी अपना प्लेसमेंट स्टैट्स दिखाया है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज ने लोगों को रिक्रूट किया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. तो अगर अपॉर्चुनिटीज कम है उसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज हैं भी. आपको ये देखना है कि आपने क्या आप ड्रॉप लेने के बाद कुछ यू नो तीर मार सकते हो, कैट में अच्छा स्कोर कर सकते हो. अगर ऐसा है तो गो फॉर इट. बट अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये सारी सिचुएशन, ये जो हवा है एंड ऑल दैट स्टफ, उसकी वजह से मैं एक और साल का ड्रॉप लूं, सो आई थिंक इट विल नॉट बी यू नो अ गुड डिसीजन. एंड व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट, आप 2 साल बाद निकलने वाले हो, 2 साल बाद सिचुएशन नॉर्मल रहेगी. आप अभी इस साल प्लेसमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करने वाले हो. जो स्टूडेंट्स पहले एडमिशन ले चुके थे जब कोविड का कुछ भी नहीं था, उनको उनके साथ हो सकता है उन्हें थोड़ा सा सफ़र करना पड़े बिकॉज अभी जैसे सिचुएशन चल रही है. बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इट इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर MBA बिकॉज आप जितनी भी न्यूज़ आर्टिकल्स देखें इस साल ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ज़्यादा ईगर हैं, दोबारा ड्रॉप लेने के मूड में नहीं हैं और हमारे पास वैक्सीन है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. सो अगर आप भी उनमें से कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो, स्टक हो, अगर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप अपने सवाल भी डिस्कस कर सकते हो जो नीचे नंबर दिया है उस पर कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके. सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो व्हिच माइट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनके दिमाग में यही सारे सवाल हैं और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहो मेरे साथ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.